जीसस जीसस क्या है के? आप देख रहे हैं कि हम कहते हैं ना कुत्ते का काटना, डॉग ने किसी ने को सड़क पर स्ट्रीट डॉग ने किसी को काट लिया तो बड़ा गंभीर होता है। आज भी हमें जो है ऐसे एनिमल के काटने में दांत लगने पर उसको हमें जो है वो झट से डॉक्टर पास जाके उसको रेबीज का वैक्सीन लगवाना पड़ता है। एक जमाना था कि रेबीज का वैक्सीन लगाना मतलब जो है पेट में इंजेक्शन लगा करते थे 14 इंजेक्शन पेट में लगा। अब जो है वो धीमे धीमे वैक्सीन भी बहुत इंप्रूव हो गया है तो अब उतना इंजेक्शन नहीं लगते हैं इसमें। तो अभी यह है कि ये एक बड़ी गंभीर बीमारी है और मैंने अपने मेरा एक लड़का मेरे लिए काम करता था, ये बात है कि काफ़ी से पुरानी बात है कि एक लड़का था मेरे लिए वो काम किया करता था, संजू नाम था उसका। तो उस लड़के का छोटा भाई, छोटे भाई को जो है वो उसने क्या किया, सड़क पर से एक छोटा पपी मिला, वो कहीं से उस पपी को उठा लाया घर में, हमारे घर के सामने उनका घर था, छोटा सा एक घर था उनका, तो उसमें वो उस पपी को पाल लिया। हाँ, तो बच्चों को शौक होता छोटे पपी को पालने, बड़ा सुंदर सा पपी था छोटा सा। वो खेलते खेलते किसी दिन क्या हुआ, उस पपी ने जो है उसके हाथ में काट लिया, दांत लग गया उसको थोड़ा सा, ठीक है। अब चूंकि उसका पालतू पपी था उसने उसको लेके जो है बोरोलिन वगैरह लगाया उसने और चिंता नहीं किया उसका उसने। 4-6 दिन बाद पपी मर गया, शक हुआ उनको भाई कैसे कुत्ता मर गया अपने आप से ये। और उसी दौरान कुछ दिनों बाद उस लड़के को रेबीज के सिम्टम डेवलप। मैं उस समय गांधी GMC भोपाल में पढ़ा करता था तो मुझे उसने फोन लगाया कि इसके भैया हम छोटे वाले का नाम मैं बोल रहा हूँ उसको लेके हम हमीदिया अस्पताल आए हुए हैं, आप हो तो आ जाओ यहाँ पे डॉक्टर जो है वो बहुत भीड़ है यहाँ पे हमीदिया में, तो आप बोलोगे तो देख लेंगे प्रायोरिटी पे। मैं गया हॉस्पिटल, मैंने उसको बोला, डॉक्टर को अरेंज किया मैंने कि भाई इसको लेके जाओ अंदर इसको, तो वहाँ जाके देखा तो अब उसका भाई जो था वो उसको रेबीज के पूरे सिम्टम आ चुके थे। डॉक्टर ने जो हमारे प्रोफेसर था उन्होंने बोला कि इसको तो पूरा डैमेज हो चुका है इसका नर्व वगैरह, इसको हम नहीं बचा पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई इलाज ही नहीं है इसका, 100% फेटल। मतलब ये रेबीज एक ऐसी बीमारी यदि हो गई तो 100% डेथ तय है, एक परसेंट चांस भी नहीं है बचने का, 1% चांस भी नहीं है। आई सॉ हिम, आपको पता है मतलब अभी भी सीन देखता हूं कि मैंने रेबीज का पहला और आखिरी केस देखा, मतलब रेबीज किसी को होता है मैंने पहली बार और आखिरी बार देखा, उस समय पेशेंट ऐसा कोई दिखे ही नहीं अस्पताल में कभी। वो लड़का उसके जिसे पता ना लार, पूरी लार साइड से टपकना शुरू हुई उसके के। उसके बाद जैसे हम जॉम्बी वाली मूवी देखते ना जॉम्बीज की, व्यक्ति जॉम्बी में आता करके कोई गिलास में पानी लेके आ रहा ना तो उस पानी को देख के वो दौड़ रहा करके, और उसकी आवाज वॉइस जैसे डॉग की आवाज़ है ना वैसी वॉइस की, और सिंपल से कोई भी आदमी देखेगा उसके पीछे पड़ जाएगा काटने के लिए। वो बच्चा, लोग घबरा गए अस्पताल में, अलग कमरे में रखा उसको, भी ये इसको जो है वो अभी आइसोलेशन में लेके जाओ उसको। सोचिए इंसान दूसरे इंसान को काटने दौड़ रहा है, वो डॉग के सी जो है वो घर घर आवाज भी कर रहा है, वो लार भी टपक रही है उसकी आंख से, आंखों देखा बता रहा हूं, पानी देख के हटता है कि पता नहीं क्या आ गया कोई चीज। तो उसका नाम, बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिया, क्या बोलते हैं, वाटर से डर लगता है व्यक्ति को, हाइड्रोफोबिया के। और ये ब्रेन के अंदर न्यूरॉन, ये सब क्यों होता है, जो ब्रेन के अंदर बड़े पैमाने पर न्यूरॉन डैमेज करता है और उन न्यूरॉन में हमको एक बॉडी देखने, जिसको नेगरी बॉडी बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है नेगरी बॉडी, और ऐसा कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन न्यूरॉन्स में बड़े पैमाने पर डैमेज होता है यहाँ पे, और इसके चलते क्या होता है कि व्यक्ति का जो है वो पूरा कपड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और फाइनल अंत में डेथ रहती है। कुछ घंटे हुए उसके बाद बच्चा, एक आध दिन 24 घंटे हार्डली गुजरेंगे, खत्म हो गया। पूरा परिवार उनका स्केयर था, हर व्यक्ति जो घर में था ना उसने उसको रेबीज का वैक्सीन लगाया गया, भले ही उसके बच्चे पता नहीं कभी किसी लग गया और गलती से कुछ ना, क्योंकि बच्चा आक्रामक हो चुका था लास्ट में वो।